मेक्सिको में तूफान पेट्रिशिया का हमला। मेक्सिको के दक्षिण पश्चिमी तट प्रशांत तट पर तूफान पेट्रिशिया ने दस्तक दी है। पेट्रिशिया तूफान पांचवी श्रेणी का तूफान है। सरकारी मौसम विभाग ने जानकारी दी कि मेक्सिको के जलिस्को राज्य के एक गांव एमिलियानो जपाटा के पास शुक्रवार शाम तूफान ने दस्तक दी। SNM जांच स्टेशनों के मुताबिक इस तूफान की अधिकतम रफ्तार 305 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह तूफान पूर्वोत्तर की ओर 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। पेट्रिशिया में तूफान की रफ्तार जल्द ही धीमी पड़ने की संभावना है, क्योंकि यह तूफान पहाड़ों की ओर बढ़ रहा है। भारतीय पर्वतारोहियों द्वारा एक अछूते पर्वत का नाम APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। भारत के दो पर्वतारोहियों अर्जुन वाजपेयी तथा भूपेश कुमार ने अक्टूबर 2015 के तीसरे सप्ताह में हिमाचल की स्पीति घाटी में 6180 मीटर ऊंचे एक अनाम पर्वत पर चढ़ाई कर के इतिहास रचा है। इन दोनों पर्वतारोहियों ने इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में माउंट कलाम रखा। माउंट कलाम बड़ा सिकरी ग्लेशियर के नज़दीक स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बड़ा सिकरी ग्लेशियर हिमालय पर्वतमाला में गंगोत्री के बाद सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। अर्जुन वाजपेयी तथा भूपेश कुमार क्रमशः नोएडा तथा बुलंदशहर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना यह अभियान 8 अक्टूबर 2015 को आरंभ किया तथा 14 अक्टूबर 2015 को पर्वत के शिखर पर भारतीय ध्वज फहराकर समाप्त किया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संगीत, कला एवं नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों के 39 कलाकारों को वर्ष 2014 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में वर्ष 2014 के लिए 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न सदस्यता एवं कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार पाने वालों में SR जानकी रमन, MS सत्यु, विजय कुमार किचलू और तुलसीदास बसंत बोरकर शामिल हैं। अकादमी फेलोशिप पुरस्कार पाने वाले कलाकारों को ताम्रपत्र और 3 लाख रुपए का चेक तथा अकादमी पुरस्कार पाने वालों को एक प्रशस्ति पत्र एवं 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया है। रतन टाटा ने सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप अबरा में निवेश किया। ओला और स्नैपडील जैसी कंपनियों में निवेश कर चुके टाटा ग्रुप के एमेरिटस चेयरमैन रतन टाटा ने अब अमेरिका में सिलिकॉन वैली स्थित स्टार्टअप अबरा में निवेश किया है। यह डिजिटल करेंसी वाले किसी फर्म में उनका पहला निवेश है। अबरा की स्थापना 2014 में एंटरप्रेन्योर बिल बारहोर्स ने की। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए जापान देगा 1000 अरब का लोन। जापान भारत को पहली बुलेट ट्रेन के लिए $15 बिलियन यानी लगभग 1000 अरब रुपए का लोन देगा। इसकी ब्याज दर 1% से भी कम होगी। जापान को अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ने वाली 505 किलोमीटर लंबी कॉरिडोर की स्टडी के लिए चुना गया है। इस कॉरिडोर के निर्माण और सप्लाई की परियोजना के लिए निविदा निकाली जाएगी, लेकिन फाइनेंस करने के प्रस्ताव से जापान इस दौड़ में सबसे आगे है। 1.20 लाख करोड़ में बिक जाएगी सैंडिस कॉरपोरेशन। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फ्लैश मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी सैंडिस बिकने जा रही है। इसे भारतीय मूल के कंपनी के को फाउंडर संजय मेहरोत्रा ने कंप्यूटर हार्ड डिस्क मेकर वेस्टर्न डिजिटल को 1.20 करोड़ रुपए की डील में बेचने का फैसला किया है। कैलिफोर्निया वेस्ट सैंडिस एक फ्लैश मेमोरी चिप मेकर है। डील पूरी होने के बाद मेहरोत्रा वेस्टर्न डिजिटल के बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। इस कंपनी में 86 लोग काम करते हैं। इसका मार्केट कैप करीब $15 बिलियन का है। 58 साल के मेहरोत्रा फिलहाल सैंडिस के प्रेसिडेंट और CEO हैं। उन्होंने 1988 में यह कंपनी बनाई थी। वह 2010 से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। पैरालाइडिंग वर्ल्ड कप का आगाज। साउथ एशिया के पहले वर्ल्ड कप का आगाज 24 अक्टूबर को होगा। जिला कांगड़ा की बिलिंग घाटी में
इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू फ्लैग ऑफ करेंगे। इस खेल के लिए घाटी में दुनिया भर के 35 देशों के 130 पायलट पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड के टॉप 10 पायलटों पर सबकी नजर रहेगी। नंबर 1 पायलट फ्रांस के जुलियन के अतिरिक्त स्लोवानिया के विदिक तथा जर्मनी के टोरस्टन दूसरे नंबर की खिलाड़ी हैं। तीसरे स्थान पर जूर्जी तथा चौथे स्थान पर खिलाड़ी रिटिज हैं। सितंबर 2011 से फरवरी 2000 तक पहले स्थान पर रहे जर्मनी एडियू तथा टर्की सुपर कप के विजेता तथा वर्तमान में 8वें स्थान के मैक्सिम प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी में हैं। अशोक अलेक्जेंडर स्वीडन जर्मनी स्थित बोन के मेयर बने। भारतीय मूल के अशोक अलेक्जेंडर श्रीधरन ने जर्मनी स्थित बोन शहर के मेयर की शपथ ग्रहण की है। बोन जर्मनी में 18वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है तथा पश्चिमी जर्मनी की राजधानी है। श्रीधरन का चयन एंजेला मर्केल की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मनी के उम्मीदवार के रूप में सितंबर 2015 में आयोजित चुनावों के में जीत के पश्चात हुआ है। इस जीत से श्रीधरन भारत मूल के पहले नागरिक बन गए हैं जिन्हें जर्मनी के किसी बड़े शहर में मेयर पद पर नियुक्ति की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर डेली करंट अफेयर्स अपडेट प्लीज सब्सक्राइब टू वाईफाई स्टडी चैनल।